हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वासी क्वीन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं थेपले बनाने वाली हूँ। गुजरात की बहुत ही फेमस डिश है, तो आज मैं इसी की रेसिपी लाई हूँ। तो थेपले तो नॉर्मल थेपले तो बहुत बनते हैं, मैं आज पालक के थेपले बनाने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, और अच्छी अच्छी डिशें आप सीखें बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम रेसिपी देखते हैं। देखिए दोस्तों, पालक के थेपले बनाने के लिए हमने ये पालक ले ली है, इसे अच्छे से काट लिया है और अच्छे से धो लिया। आपको पालक अच्छे से धो लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी वगैरह रहती है, तो अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसे थोड़ा देर ऐसे छलनी में रख लीजिए ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हम इसे पीस देंगे और फिर उसके बाद हम थेपले की रेसिपी दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये पालक हमने पीस ली है, पालक पीस के एक कटोरी हो गई है। अब हम थेपले के लिए इसमें 1.5 कटोरी आटा डालेंगे गाइस, ये गेहूं का आटा है। अब इसमें हम 1/2 कटोरी बेसन डालेंगे और इसमें हम ये सारे मसाले डालेंगे जो हमने लिए हैं। सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर, ये 1/2 चम्मच है। ये अजवाइन है फ्रेंड्स, हल्दी पाउडर भी 1/2 चम्मच, ये धनिया पाउडर है फ्रेंड्स 1 चम्मच। ऐसे आप चाहें तो 1/2 चम्मच डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नमक है फ्रेंड्स, स्वाद के अनुसार, जैसे कि सब्जी जैसा मत डालिएगा, पराठे में जैसे होते हैं नमक वैसे ही आप डालिएगा। और ये हम पालक जो पीस के रखे थे इसे डाल देंगे। आप देख लीजिएगा, जितना नीड होगा उतना ही डालिएगा, ये नहीं कि ज़्यादा डाल देना है। इसमें हम 4 चम्मच दही भी डाल देंगे फ्रेंड्स। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे गूंथ लेना है। देखिए दोस्तों, इसमें 2 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं आप। जिसे पराठे एकदम सॉफ्ट और खसखस टाइप से बनेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम गूंथ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आटा गूंथ के रेडी है, एकदम सॉफ्ट आपको आटा गूंथना है, ज़्यादा टाइट ना रहे इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब हम थेपला बनाने के लिए इसे बेल लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोई निकालेंगे, बिल्कुल जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से आपको बनानी है। थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा आटा लीजिएगा दोस्तों। बर्तन लगा लीजिएगा, इसे हाथ से थोड़ा सा गोल कर लीजिएगा। अब इसे हम बेल देंगे। दोस्तों, तवा हमने चढ़ा दिया था, अब इसमें थेपला हम डाल देंगे। जैसे आप पराठा बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको इसे बना लेना है। अब ये जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी प्लेटिंग करके। ये देखिए दोस्तों, हमारे थेपले बनके रेडी हैं, कितने सॉफ्ट कितने मुलायम बने हैं ये देखिए, और एकदम हेल्दी भी है गाइस। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे इतनी प्यारी सी भुजिया बना लीजिए आलू की, और दही के साथ आप इसे खाइए। दही में आप गुड़ डाल लीजिए या चीनी डाल लीजिए, या अगर आपको नमकीन दही पसंद है तो नमकीन दही के साथ भी खा सकते हैं।
देखिए गाइस कितनी यम्मी थाली लग रही है, गर्मी के लिए एकदम परफेक्ट है। और आप इसे नाश्ते में आराम से खाइए फ्रेंड्स, बिल्कुल हेल्दी नाश्ता है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो इसे ज़रूर घर पर ट्राई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।